अभी विराज फ्लाइट में बैठ गया है और थोड़ा सा रो भी रहा है, इसको अलग सा ही लग रहा है, ये इसकी पहली फ्लाइट है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, विराज 9 मंथ की एज में फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है ना। विराज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको मज़ा भी आ रहा है, और पहली बार जहाँ बैठा है तो उसको पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कहाँ जो आ गए, किन लोगों के बीच में जो आ गए, है ना, अच्छा लग रहा है ना इनको। विराज बाहर देख रहा है अभी और बाहर से विराज की खजबत शुरू हो गई है। साथ बैठा है और कार में बैठे बैठे भुर करके बाइक चला रहा है। आज अपने नाना जी के घर पहुंच गया और सीधे नाना जी के पास ही चला गया विराज। और नाक में देखो कैसा बना दिया इसने, ये नाक में नाखून लगा के। अभी विराज अपने नाना नानी के घर पहुंच गए तो रिवाज के हिसाब से अभी शंख बजाएंगे विराज के स्वागत में। खराब हो गया शंख की आवाज सुन के रो रहा है ये। शंख की आवाज से रोते हैं क्या? अभी विराज थोड़ा खुश हो गया है, विराज की नानी ने टीका लगा दिया विराज को, और बहुत सारे खिलौने विराज की नानी ना विराज के लाई है, नाना नानी बहुत सारे खिलौने लाए हैं। विराज मस्ती कर रहा है, विराज से इतनी सारी चीजें आई हैं घर पे। ये विराज के लिए इतनी सारी चीजें आई हैं और खाना भी बन गया है। अभी विराज खाना खाएगा ना? अभी विराज अपने नाना नानी के घर पहुंच गया और बहुत मस्ती कर रहा है यहाँ पर। तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं विराज जोशी ब्लॉग्स को, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।